देखो जब अंदर जाते हैं भाई, दो दो गनमैन रोड पे खड़े हैं भाई, ये देखो। और फिर भाई फार्म में एंट्री होती है। तो अभी भाई देखो गाड़ी कवर हो रही है पूरी, ये देखो ऐसे। ये देखो ये है पूरा घर इनका, और दूर से तो बहुत सुंदर है। ये लो जी, हम जिसलिए इतनी दूर आए थे उसे इसीलिए आए थे। मेरे जिगर के चलो, कैसे आप सब? और आप देख रहे हो आपका अपने बूम गन जोन। तो भाई आज अपने वो फटाफट निकल रहा है, मैं फटाफट तैयार हो गया था, और जिन्नी का लॉन्च भी आज मैं करके आया था, तो वो वाला व्लॉग आपने शायद कल देख लिया होगा। तो आज का ही दिन है वो, तो एक दिन बाद दो व्लॉग बना रहे हैं अपन। डॉलर किस पे ठोक रहा है? मम्मी को फोन में लगी है। छोड़ो, क्या हो गया? कार आ गया, आराम से रहना, काट लेता है। ऐसा भाई कपिल भाई और ये सारे हमारा फार्म पे वेट कर रहे हैं भाई। आज ना ऐसा कलेक्शन दिखाने वाला हूँ गाड़ी का, इन्हीं के रिलेटिव हैं, प्रशांत भैया की रिलेटिव हैं शायद कोई। तो भाई ऐसा भयंकर कार कलेक्शन है, और फार्म वार्म दिखाऊंगा आपको, दिखाऊंगा दिल्ली के फार्म कैसे होते हैं, तो आपको आइडिया लगेगा भाई दिल्ली में कितने पैसे वाले। तो पहले तो अपन जा रहे हैं बल्ली को लेने, क्योंकि भैंस के उस बंदे से रोड क्रॉस नहीं होती। अभी देख रहे उसकी हालत, मैंने बोला रोड पार करके आ जा, कह रहे भैया मेरे को डर लग रहा है मैं नहीं आ पाऊंगा। तो अभी देखा था उसका हाल, रोड क्रॉस करने में डर लग रहा है भाई, अब तो सीख जा मेरा भाई। तो भाई तेज चलता है वाला रोड। अच्छा तेज चलता है, उड़ा देते हैं। हाँ भाई एक बार देख लिया था ना सामने से। क्या क्या सीन हुआ था? बंदा भागते हुए रोड पार कर रहा था। हाँ एकदम से गाड़ी वाला, गाड़ी तेरे सामने। हाँ तो उछलते हुए गया वो भाई, उछलते हुए तो जिंदा था। पैर पे मतलब पैर यहाँ पे मारी थी टक्कर। अच्छा अच्छा, तो उछल गया था, मतलब पूरा ऐसे पलटी उल्टी खा गया था। तो फिर क्या जिंदा था, पैर टूटा क्या था? फ्रैक्चर हो रहा था उस बंदे का, मतलब अब चल नहीं पाता। भाई अब ये देखो लेफ्ट राइट जहां भी देखोगे ना सारे फार्म ही फार्म है, और कितने अंदर अंदर तक है। तो इसी जगह की बात कर रहा था, ये है छतरपुर फार्म नंबर 10 भाई, बहुत भयंकर भयंकर फार्म है भाई। भाई ये वाला फार्म है जिसमें अपन जा रहे हैं, तो भाई अंदर बाउंसर बाउंसर भी है। तो भाई अभी अपन अंदर घुस गए हैं, और भाई पीछे देख रहे हो गनबन लेके चल रहे बंदे, क्या हाल है भाई आ जाओ। तो भाई फार्म तो भाई बहुत भयंकर है भाई, तेरी लाइन से लगी हुई है भाई। ये देख गाड़ी, मस्टैंग मस्टुंग सब है भाई, थार भी है भाई, कपिल भैया की बोरी थार। सो गाइस अभी अपन आ गए हैं सागर भाई के फार्म में। तो ये है सागर भाई, कैसे हो सागर भाई? और ये हमारे, ये इन दो को तो जानते होगे, हमारे साथ ही रहते हैं अभी, हमारे कपिल भैया और ये प्रशांत भैया। ये सारा सागर भैया का कलेक्शन है, तो स्टार्ट करते हैं। आप देखो दिखा दूं गाड़ियां, यही है और भी होंगी यार, और भी तो गाड़ियां तो और भी होंगी, गाड़ियां गई हुई है। बैक का स्टिकर भी लगा हुआ है, तो विधायक भी है क्या घर में? हाँ भाई नाना है। अच्छा नाना जी विधायक। ये ऑडी A3 है, पेट्रोल। अच्छा कन्वर्टेबल, हाँ कैब्रियोले बोलते इसको। अच्छा अच्छा, और 4.0 TFSI। तो इसमें फ्रेमलेस डोर है, ये देखना अभी इसकी जो ब्यूटी है ना गाड़ी की, भाई साहब भाई गजब। अब ये देखो पूरी पीछे चली जाएगी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया। और एवरेज एवरेज कितने का देती है? एवरेज वैसे तो 8-9, बाकी एक बार जयपुर गया था तो 15-16 दी थी। अरे गजब यार, 15-16 बहुत होती है। सबसे पहले तो यही चला रहे थे, ये मेरी फेवरेट है, फेवरेट कार है ये, तो मेरी भी फेवरेट कार है, बहुत सुंदर कार है। तो एक ये है, इसमें एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट भी लगा? नहीं इसमें नहीं लगवाया, मस्टैंग में लगवाया हुआ है। ये है भाई सबकी प्यारी मस्टैंग, कौन सा मॉडल है ये? 2016 सारे इंडिया की आगे लेवल भी लगा। कौन सी कार है? छठी गाड़ी थी इंडिया की। क्या आप बात कर रहे हो गजब, तो दिल्ली से ली थी इसकी डिलीवरी? हां दिल्ली, वो फरीदाबाद वाला जो है मथुरा रोड। अच्छा तो आपने ब्रांड न्यू ली थी? हां तो ब्रांड न्यू है भाई, इंडिया की छठी कार है भाई ये देखो। ओहो हो गजब, एक आध बारी करना रे। इसमें और क्या-क्या काम करा रखा है? इसमें ज्यादा कुछ नहीं कराया, बस थोड़ा रैपिंग, ये स्ट्राइप्स लगवाई थी। हां और थोड़ा मतलब डीक्रोम करवाया था, ब्लैक एड करा था गाड़ी में। अच्छा अच्छा, एग्जॉस्ट लगवाया था, इंजन के साथ कोई छेड़छाड़ करी नहीं। अच्छा अभी करी नहीं। और कितनी चला दी गाड़ी? ये ज्यादा नहीं चली, 16,000 चली है बस। ये 60,000 चला दी, तो ये भी ब्रांड न्यू ली थी क्या आपने? ये भी और GLS, ये तीनों एक साथ ही रहा है। नए का रेट शायद इसका 68-70 के अराउंड था, सीधो मुझे अभी भी मिल रही है, 6 साल चला ली भाई। सही है, एक तरीके से गोल्ड है भाई ये, पूरी इन्वेस्टमेंट है। तो अभी आते होंगे भाई, बेचो दो हमें, बेचो दो। बहुत आते क्योंकि एक तो सिंगलों में गाड़ी नहीं बची बस टाइम, सबने ले ले के बेच ले बेच बेच के चार, बहुत ही कम है जो सिंगल ओनर बच रही है, तो इसलिए वैल्यू और ज्यादा अच्छी मिल जाओ। बहुत ही कम चली गई, 16,000 होते ही क्या है इतनी मुस्टैंग जैसी गाड़ी के लिए। फिर ये भाई हम सभी की प्यारी, ये है थार, इस पे भी स्टिकर लगा हुआ है। और देखो देख रहा हूँ मैं,
हर गाड़ी का एक ही नंबर है भाई, ये देखो 6100, वो भी 6100, वो भी 6100, और वो बेलार है। GLS का अलग है, वो चुक गया, कोई ना अगली कार लेंगे भाई 6100 ही लेंगे। 6100 के पीछे कोई कहानी क्या भाई? नहीं बस ऐसे ही, एक बार सबसे पहली गाड़ी मैंने अपनी पर्सनल माइक्रा ली थी निसान की स्कूल में, उसका नंबर 6100 था, तो फिर सारी वही। अच्छा, अब कोई भी गाड़ी का लवर होगा ना भाई, थार तो चाहिए। तो पेट्रोल है डीजल है? ये पेट्रोल है ऑटोमेटिक। अच्छा, पेट्रोल ऑटोमेटिक। इसमें क्या क्या काम करा रखा आपने? इसमें मैंने पूरी गाड़ी के बम्पर वगैरह, वेंडर साइड वेंडर सब कुछ ब्लैक कराया था, रूफ वगैरह ग्लॉस ब्लैक, और अंदर से बाकी पूरा अंदर का सीन है गाइस। तो अंदर भी इन्होंने ब्लैक ही, जेड ब्लैक का शौक है भाई है, ऊपर से भी पूरा मतलब। अच्छा, इंटीरियर का काम? हाँ, ऊपर भी ब्लैक है। तो ये मतलब रूफ, यार मैं सोच रहा हूँ मैं भी कराऊं, तो इसमें प्रॉब्लम तो नहीं होती आवाज? प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, बाकी हीट से भी बचाती है काफी। हीट से बचाती है? गाड़ी ज्यादा हीट हो जाएगी ये काम होगी थोड़ी। एसी अच्छा। भी बहुत अच्छा काम करता है इस वजह से, वैसे एसी तो थार का ही अच्छा है। ये भाई रेंज रोवर वेलार है, 3500 cc है गाड़ी। अच्छा, पेट्रोल है डीजल है? ये डीजल है। अच्छा, ये डीजल है? ये डीजल है, बाकी ये और GLS बाकी वो सब पेट्रोल है। अच्छा, तो एवरेज ये कितने का देती है? एवरेज इसकी फिर भी ठीक है, 12-14 ऐसे। 2019 ये गेट है ना, वो ऐसे बाहर आते हैं वो लॉक, और पीछे से देखो भाई, पीछे से ऐसी है वेलार, बहुत सुंदर। बहुत महंगी गाड़ी ली, गाड़ी कितने की पड़ी भाई ऑन रोड? ये जब आई थी तब तो 1.25 crore की थी, अब फिलहाल इंडिया में ये असेंबल हो रही है तो सस्ती पड़ जाती है। अच्छा, अब सस्ती कर दी है? हाँ जी। अरे भैया लॉस हो गया इसमें तो है। गाड़ियों का यही है, किसी में प्रॉफिट किसी में। तो 85-90 की हो गई थी, अब फिर 1 crore तक आई है हमारी वाली की, जो इसकी बिलिंग है वो 1-21 की है। अच्छा, 1-21 की है। ऑन करोगे ना, ये देखो ऊपर आता है, वाओ, तो ये चीज बहुत बढ़िया लगती है। इसको चलाते हो? हाँ, इसको चलाते, ये मेन कहीं घूमने जाना होता है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। अच्छा, उसके लिए बढ़िया दोस्त। रेंज रोवर तो बनी ऑफ रोडिंग के लिए थी गाड़ी। हाँ, ये तो है भाई, तो उसको करिए लेके ऑफ रोडिंग। हाँ, काफी बार करिए। अच्छा भाई, डेजर्ट में भी जैसलमेर वगैरह गए थे, बिल्कुल स्मूथ लग ही नहीं रहा था कि डेजर्ट में चला रही गाड़ी भाई। गजब भाई, मेरे को थार में डर लगता है, वेलार से ऑफ रोडिंग कर रहे हैं भाई, गजब यार, सही है। तो ये भी आगे पीछे होता है क्या? हाँ, ये एडजस्टेबल भी है वैसे तो, बाकी आप इसको जब स्टार्ट स्टॉप करते हैं गाड़ी को, स्टार्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। अच्छा, और पीछे की सीटें कुछ ऐसी हैं, तो ये पूरी पैनोरामिक सनरूफ है? हाँ, ये पैनोरामिक सनरूफ है। कुलती भी है इसकी, तो वैसे रेंज रोवर ने बंद कर दिया था, अलग से लेना पड़ता है। अच्छा, ये अलग से कस्टम करानी पड़ती है? हाँ, या फिर अगर कंपनी से भी मिलेगी तो उसका चार्ज लगा हुआ आएगा बिलिंग में अलग से। भयंकर चीज है भाई। ये कितनी चला दी उस्ताद? ये भी 60,000 चल गई, ये 2019 की है। सही चला दी यार। हाँ, ये देखो, ये एडजस्टेबल, बहुत सही, बहुत सही चीज है भाई, यही है गाड़ी। बाकी तो भाई देखो, टेक्निकल चीज पे तो अपन जाएंगे नहीं ज्यादा, तो मैं तो बस कार कलेक्शन का दिखाने आया था। अच्छा, आपकी फेवरेट कार कौन सी है वैसे? मेरी अपनी वाली में से तो सबसे मेरी फेवरेट ऑडी है, ऑडी A3 कन्वर्टिबल। मैंने कॉलेज में ली थी, पहली पर्सनल कार के बाद यही थी मेरी सेकंड। अच्छा, इसलिए उससे मेरे को अटैचमेंट ज्यादा है। और पिताजी को कौन सी पसंद है? उनको GLS पसंद है। GLS, तो GLS भी भाई एक मास्टरपीस है। उन्होंने नंबर भी इसीलिए अलग लिया है कि ये सब पहचान में आती है गाड़ी की, तेरी होगी तुम इधर उधर घूमते हो, मेरे को अलग नंबर। अच्छा अच्छा, आज चलो पिताजी की गाड़ी दिखाते हैं इनके। आज ये सही है भाई, भाई हाथी है भाई, रोड पे चलता है ना भाई। मैंने भाई ये, मैंने शाहरुख खान के बाद सलमान खान तो चलता ही इसी में। हाँ, मैंने बहुत वीडियो देखी है। GLS या रेंज रोवर? हाँ, ये दो में ही चलता है वो। तो भाई ये कौन सा मॉडल है, पेट्रोल है डीजल है, क्या है? ये डीजल है, ये 2016 है। 2016 अक्टूबर की थी, मस्टैंग भी, ये भी ऑडी भी, तीनों। अच्छा, तीनों एक ही महीने में ली थी? दो चार दिन के आगे पीछे। क्या बात है भाई, क्या जन्मदिन था किसी का, क्या था भाई? ये ऐसा कुछ नहीं बस। अच्छा चलो, बस ऐसे मना ले लिया। पीछे से कुछ ऐसी दिखती है, ये GLS 350D की बैजिंग है, सुपर लग्जरी है भाई, सुपर लग्जरी। ये देखो पीछे से एक बारी देखो, ये पीछे का भी जो वुडन है, ये अलग अलग बना है, मतलब? नहीं नहीं, ये आता है कंपनी, आता था कंपनी से ही है। हाँ। ये पहले थोड़ा वुडन ऐसे ग्लॉसी आता था, फिर बाद में कंपनी ने थोड़ा और प्रीमियम करने के लिए इसको नेचुरल फिनिश देने लगा। तो ये सीन है। तो ये कितने का एवरेज देती है भाई? ये 10 के आसपास देती है, बस इसमें ये है कि इसका टैंक इतना बड़ा है कि एक बार फुल कराओ तो दोबारा याद ही नहीं रहता फुल कराना। 100-115 लीटर का टैंक है। बाप रे बाप भाई, बहुत यूज है। ये भी लगभग 80,000 चल गई है गाड़ी। 80,000? हाँ भाई, बहुत चला दी। खैर 2016 है तो उस हिसाब से तो ठीक है। इसमें तो काफी ट्रिप्स करी है। अच्छा, काफी कहाँ कहाँ गए हो मैक्सिमम? मतलब गाड़ी से तो ज्यादा दूर नहीं,
जैसलमेर तक गया हूँ गाड़ी से, दोनों गाड़ी गई थी, ये भी और रेंज रोवर भी। रेंज रोवर भी अच्छा। तो ये वैसे पहाड़ों में भी, हिल स्टेशन में, सब जगह लेके गया हूँ इसको। अच्छा। एक जगह जिम कॉर्बेट में आती है जहाँ पे ब्रीज केव्स एक रिसोर्ट है। हाँ, हाँ, हाँ। उसका जो रास्ता है वो बहुत खतरनाक है, उस पे लेके गया था मैं इसे। बिल्कुल ऐसे चढ़ गई स्मूथ, पानी की तरह, लगा ही नहीं कि कुछ ऐसा रास्ता खराब है। अच्छा भाई, ये तो खैर चीज, ये हाथी है, ये चलता फिरता। ये देखो भाई, पीछे ही बहुत स्पेस है। गाइस अभी अपन ना एक छोटी सी गेड़ी मारने चलते हैं, एक सिर्फ पेप्सी लेने, सिर्फ एक पेप्सी की बोतल ले जाएंगे बाहर। आगे सागर भाई आगे इसके ले लो, सही बात है, पीछे बड़र बड़र करके आएगी ना आवाज, तब मजा आएगा। तो अपन इसमें चलते हैं और सारी और ड्राइवर साहब इसमें आ रहे हैं। तो भाई अभी अपन इसमें बैठ गए, चल भी नहीं। तो भाई मस्टैंग जा रही है सबसे पहले। गाड़ियां भगा रहे भाई, मजा आ रहा है बॉस। ये देखो दुनिया देख रही है, थार में मैं भी ऐसा सायरन लगाऊंगा। ये देखो भाई, और ये देखो मस्टैंग, ये मस्टैंग के साथ ही रहेंगे भाई, इतने तगड़े मतलब वो है। और देखो भाई चुपका के चल रहे भाई, थार और मस्टैंग में गैप नहीं है, इतने भयंकर ड्राइवर है एकदम भाई। बाउंसर तो यही होने चाहिए, पेट्रोलिंग तो यही होती है। सीन ऐसा है, अभी अपन ना इतनी दूर हम सिर्फ एक चीज के लिए आए थे, वो क्या चीज है वो अभी आपको दिखाता हूं। लाइनअप देख लो गाड़ियों का, तो ये लाइनअप है। एक बैंकर चीज ले भैया, दो पेप्सी निकालना। 1000-2000 रुपए का पेट्रोल बुक किया, हम सिर्फ पेप्सी लेने आए हैं, वो यहाँ दे रहे। दूर सिर्फ पेप्सी लेने आए हम, सही है। अब चले फार्म को वापस, चलो मेरा भाई चलते। भाई एक गाड़ी है, एक वो खड़ी, अरे पन्नी लग गई भाई। ये लो जी, हम जिस लिए इतनी दूर आए थे उसे इसीलिए आए थे। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं फार्म पे वापस, बट भाई कन्वर्टेबल भी ना लग रही है, बट ये गाड़ी ना थोड़ी गंदी हो जाती है इसमें। ये देखो थोड़ा डस्ट वस्ट आ जाती है ना, डस्ट आ जाती है, बाकी तो गाड़ी बहुत स्मूथ है। हाँ सही। तो अभी भाई देखो गाड़ी कवर हो रही है पूरी, ये देखो ऐसे। चज्जा आ गया, चज्जा आ गया भाई, ये ऊपर क्यों नहीं हो रहा। आ गया, ओ भाई पूरी कवर हो गई गाड़ी, अभी ये लॉक हो गया, अभी ऊपर हो गया, अब ऐसे कवर हो जाती है भाई गाड़ी चलती है। तो भाई कितना सही लग रहा है। देखो जब अंदर जाते हैं भाई, दो दो गनमैन रोड पे खड़े हैं भाई, ये देखो। और फिर भाई फार्म में एंट्री होती है भाई, मजा आ गया। पेप्सी थोड़ी महंगी पड़ेगी। तो ये छोटा सब्सक्राइबर है, क्या नाम है बेटा? जयवर्धन। आगे पूरा बता बेटा। जयवर्धन गुजर। अच्छा क्या बात है, जयवर्धन गुजर। हाँ वो बच्चे की। तो भाई अभी अपन आ गए अपन फार्म के, अभी चल रहे हैं अंदर, अभी आ जा। चलो भाई यहाँ बैठते हैं हॉल में। हाँ। अच्छा ला बॉल तो ला बेटा, फिर खेलते हैं। कैसे खेलेगा? अच्छा ओ भाई, कंटेंट दे रहा भाई, बड़ा यूट्यूबर बनेगा। क्या चीज भाई? अच्छा सर्टिफिकेट मिली है भाई। भाई ये बच्चा हमें दिखाएगा गन, कहाँ है गन? ये हमें रूम टूर दे रहा है भाई अपना, ये गन है भाई, ये देखो भाई गन सुंदर है, चलाइए। और कुछ नहीं, बस ये कंटेंट है। ये इनका डाइनिंग एरिया है भाई का, ओहो बहुत सुंदर डाइनिंग एरिया बॉस, ये देखो घोड़े भी लगे हैं भाई। अभी गाइस खाना वाना खाने चल रहे हैं, तो भाई आ जाओ खाना वाना खाते हैं भाई। कोई बैठी भाई, ये सौदा बढ़िया लगता है मेरे को, कपिल भी आता। मेरे को ना भाई इतनी शर्म आती है, मतलब दूसरों के घर जाके दिखा रहे हो छोले भटूरे खाने को मिल रहे यार, इतना मतलब, बट काम भी मेरा ये है, क्या कर सकते हैं। तो ये लोग समझते हैं मेरे को, बट मैं खुश शर्म आ जाती है भाई, मैं लोगों के सामने क्या बोल रहा हूँ, छोले भटूरे ये खा लो वो खा लो। सो गाइस अब पेट पूजा होगी, तो मैंने कहा थोड़ा चलो घूमते हैं भाई, थोड़ा टूर देते हैं, फार्म टूर कैसा होता है भाई। ये मेरी बाइक है। अच्छा ये बाइक है। ये देखो ये है पूरा घर, और इसके पीछे गार्डन। तो गाड़ियाँ इन शेड में खड़ी कर दो। हाँ
हाँ अभी ऊपर का फैब्रिक रेडी हो रहा है, पार्किंग रेनोवेट करी थी। अच्छा अच्छा, बाइक वाइक का शौक नहीं है भाई? सुपर बाइक का शौक नहीं है, बाइक एक ही बुलेट है वही खड़ी भी। देखो गाड़ियाँ कितनी सारी आया है भाई, ये देखो ऑडी ऑडी थार वार, और पीछे भी ना वहाँ दो दो थार खड़ी हुई है, देखो एक ओरी ओरी। देखो ये है पूरा घर इनका, और दूर से तो बहुत सुंदर है। कितने रूम है भैया? रूम 6 बेडरूम है। 6 बेड तो ये कर लेते हो गया? हाँ हाँ, पीछे अभी आउट हाउस बन रहा है, आप जैसे भाई आए तो उनके। अरे बढ़िया, ये एक बार है इसमें लेफ्ट वाला। हाँ हाँ हाँ। और दो गेस्ट रूम है, एक पीछे स्टीम बाथ, सोना मसाज। अच्छा अभी बन रहा है ये? हाँ बन रहा है, बस फिनिशिंग की। अच्छा, और वो सामने? वो सब सर्वेंट क्वार्टर है। वो सर्वेंट क्वार्टर से ये है, तो यहाँ पे सांवाब भी आते हैं? सांप तो आ जाते हैं कभी भी, दिख जाते हैं। ओ भाई यहाँ पे घोड़े का भी है क्या? ट्रेनिंग सेंटर है यहाँ पे, घोड़े वोड़े जा रहे हैं। तो ये किसी का पर्सनल नहीं है क्या ये फॉर्म? नहीं नहीं, ये एनसीसी वालों का सरकारी है। अच्छा सरकारी है। जमीन ये 3 एकड़ है? ये 3 एकड़ जमीन है भाई, जिसपे पूरा फार्म बना हुआ है, और छतरपुर में है। और बगल वाला फार्म भी कितना सुंदर लग रहा है। क्या देखो इन्होंने मतलब थोड़ा सा अपना पोल्ट्री फार्म बना रखा है, ये देखो मुर्गे उर्गे। तो भाई ये था फार्म टूर पूरा। तो एक बारी 360 में और बता दूं, वहाँ पीछे जानवर वानवर है, और ये पूरा है, और ये फार्म है, और ये एक शरारती लड़का है। बात में बोल दे भाई, 5 मिलियन सब्सक्राइबर करा दो। 5 मिलियन 10 मिलियन करा दो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ कर दो भाई, कर दो। अब तो भाई बच्चे नहीं बोलते, फूल होता सोने पे सुहाग हो जाता, बट वो किसी रीजन से नहीं है, है ना? वास्तु पर्पस से नहीं है, नहीं तो पूल भी था इनके पास पहले। पूल तो खैर हमारे कपल भी अभी बना रहे हो। चारों तरफ ऐसे ही घूमने के बना रखा है, यहाँ थोड़ा सिटिंग एरिया मिल जाएगा। कौन वो है भाई साहब? ये जा रहे हैं आज। हम कह रहे थे रुक जाओ, पर ये मान नहीं रहे। भाई आएंगे, दोबारा आएंगे भाई, ये मतलब बच्चा है। और भाई की भी आईडी आ रही है, तो भाई को भी फॉलो करो, दोनों बढ़िया मस्त हैं। एक एक्शन सीख गया है, बढ़िया। ठीक है, ये व्लॉग यही एंड करते हैं। और मैं एक चीज और बता दूं भाई वीडियो एंड करने से पहले, कि भाई अगर आप पे भी कोई अच्छा सा कलेक्शन है, या कोई आपका बढ़िया सा फार्म हाउस है, किसी भी चीज का गाड़ियों का कलेक्शन है, तो भाई मेरे को मेल कर देना आपका, हम फटाफट से व्लॉग बनाएंगे। तो ये रही मेरी मेल आईडी, इस पे मेल मार देना, आपके कलेक्शन हम शूट करेंगे और यूट्यूब पे डालेंगे। और दूसरी चीज, मैं अभी जा रहा हूँ फटाफट दूसरा व्लॉग बनाने। जैसे कि मैंने आपसे अभी बोला था भाई, मेरी शादी हो रही है, तो फाइनली अपन ने एक लड़की देखी है, तो लड़की देखने जा रहा हूँ मैं। आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा कि लड़की कैसी है क्या है, ठीक है? तो कल वाले व्लॉग में मिलते हैं, और फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 5 मिलियन करो देना, चलो।